ईसा मसीह का जन्म दिवस है। वो एक ऐसा ईश्वर के पुत्र थे जो इस संसार में प्रेम और त्याग, ये दो भावनाएं लेकर आए, और आज शायद उनके जन्मदिन इसी बात का प्रतीक है कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब उस त्याग और प्रेम को याद करें और आपस में भाईचारे के साथ रहें। यही शायद उनका, उस महान आत्मा का संदेश रहा होगा। और हमारी सच्ची शुभकामनाएँ सभी के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी ईसाई समुदाय और उसके साथ साथ दूसरे समुदाय के लोगों को यही संदेश होगा कि वो जहाँ भी रहें अमन, शांति और प्रेम से रहें। सर, आज आपके चर्च की तरफ से और अपने सब लोग बरेली चर्चेज एसोसिएशन की तरफ से, एज ए प्रेसिडेंट बरेली चर्चेज एसोसिएशन, मैं समस्त शहरवासियों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ छोटा सा संदेश ये है कि ऐसे अशांत वातावरण में, माहौल में, जबकि लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, घृणा
समाज में है, देश में है। ऐसे दौर में प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उन्होंने प्यार का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। तो हम इस संदेश को सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के साथ प्यार करे। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि हम लड़ाई झगड़ा या द्वेष के साथ रहें। हर धर्म को सम्मान दें, इंसान को सम्मान दें और प्यार मोहब्बत के साथ रहें। आज के क्रिसमस के दिन पर मैं यही संदेश सबको देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैरी क्रिसमस टू यू। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है। आज हम लोग सब यहाँ पर क्रिसमस बड़े दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। बड़ा दिन जो है कि इसको हम सिर्फ क्रिश्चियंस का त्यौहार नहीं कह सकते, ये एक बहुत ही पवित्र दिन है। आज क्रिसमस जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे और जीसस क्राइस्ट जैसा इंसानियत का प्रेमी, इंसानियत का भला चाहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो हम लोग सब भारतीय अपने सारे भारतीय क्रिश्चियन भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम कांग्रेस के सारे लोग बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, शांति की प्रार्थना करते हैं, सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। आज बड़े मुश्किल वक्त से हमारा देश गुजर रहा है, तो हम चाहते हैं कि क्राइस्ट की हम पर ब्लेसिंग रहे और हम इस मुश्किल वक्त से आराम से निकल जाएं। थैंक यू सो मच। विशिंग एवरीबडी अ वेरी मेरी 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 क्रिसमस। थैंक यू। मैं आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पूरे बरेली शहर पर, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए। प्रभु आप सबको सद्बुद्धि आशीष दे और शांतिपूर्वक इस देश में रहते हुए, हम भाईचारा बनाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के जो सिखाया है हम सबों को, वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें और एक दूसरे से प्रेम दिखा सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम का प्रतीक है और वो शांति और अहिंसा के लिए हमारे बीच आया। परमेश्वर ने जब देखा कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया, तो ने अपने पुत्र को हमारे सबके बीच उतार दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को करने पाए और शांति इस देश और दुनिया में बनाना। धन्यवाद।